अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। अच्छा तो दोस्तों, ये रही आपको जो दिखाने लगा हूँ सोलर प्लेटें, तो इसके सेल आप देख लें। जो पहले आते थे उसके भी दिखाता हूँ, जो अब आ रहे हैं उसके भी दिखाता हूँ। इसके आप लहरा देख लें और सेल देख लें, ये 5 सेल हैं इसके। तो ये अब पहले आया करते थे जिसके, ये 3 सेल हैं। तो ये अब जो इस टाइम आ रहे हैं, सबसे पहले ये वाली थी, फिर उसके बाद ये रही, अब इसके बाद जो रही है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये आ रहे हैं, शेलमान हो, शेल जर्मनी हो, मोनो हो, कोई भी हो, तो उसमें ये सेल जो है ना लाजम है, और अंपायर भी लाजम है। अब इसके अंपायर सबसे ज़्यादा हैं जो आप इस टाइम मिल रहे हैं, ये इसके अंपायर सबसे ज़्यादा हैं। इसके सेल आप देख सकते हो, वे सिर्फ 5 हैं, लेकिन इसके लहरें आप देख सकते हो। फिर इसके आपको इलेक्ट्रीफायर भी इसके दिखाता हूँ। इस टाइम ये आ रही है, जो इस टाइम बाज़ार में आपको मिलेगी, मिल जाएगी, तो इसका सबसे ज़्यादा करंट होता है। अब बाज़ार में तो कहते हैं कि ये शेल जर्मनी के ज़्यादा हैं, उसके ज़्यादा हैं, उसके अंपायर ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके हैं। इसकी आप लहरें देख सकते हो, ये अंपायर मीटर इसका आप चेक कर सकते हो, इसकी सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो उसका फ़ायदा तो आपको पता होगा, ये धूप में मिलता है, जैसे कि उन्होंने कहा। चलो आपको इसके इलेक्ट्रीफायर दिखाता हूँ। फिर इसके इसके यहाँ पंखा होता है, जो अब तो ये पंखा भी ऐसे आ रहा है जैसे एसी डीसी दोनों काम करता है। और वैसे भी अगर सोलर प्लेटें कोई भी अलग यूज़ करता है, तो फिर उसमें जो ना एसी कन्वर्टर ज़रूर इस्तेमाल करता है, क्योंकि एसी डीसी वो भी कहता है, हर इंसान कहता है कि एसी डीसी हो। वैसे एसी डीसी ठीक है, इससे सिर्फ पंखा पिस्टन फैन ही चले चल सकता है। तो एसी डीसी हो तो आप वाडा की बिजली से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एसी बिजली होती है जो। अच्छा, तो पहले आपको ये बता दूं, ये जो 175 वाट इसमें होता है, शुरू में 150, अब तो 180-185 भी लिख देते हैं, लेकिन अंपायर अच्छे होने चाहिए बस। ये रही फेस न्यूट्रल, फेस जमा नफी जिसे बोलते हैं आप, 12 वोल्ट के में होती है। अगर दो प्लेटें आपके पास हो तो आप इसे 24 भी बना सकते हो, मतलब सीरीज कनेक्शन करके। जो मैं आपको बताने वाला था, ये वो इसके अंदर इलेक्ट्रीफायर होते हैं, वो सेफ्टी के लिए। ये रहे इसके कनेक्शन, जैसे कि आपने देख लिया ये कैसे जमा नफी होके आ रहे हैं। तो ये जो इसके अंदर ये इलेक्ट्रीफायर काफ़ी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं दोनों तरफ, और जमा नफी दोनों तरफ रखे हुए होते हैं, वो रखे हुए हैं, देख ले सकते हो आप। अगर ये अंदर से करंट इसमें भी आ जाता है, लेकिन अंपायर अच्छे नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रीफायर काफ़ी अच्छी काम करते हैं। अब मैं इसका फ़ैन दिखाता हूँ आपको, जिसके फ़ैन है जो आए हुए हैं एसी डीसी। ये रहा सोलर सोलर और 12 वोल्ट बैटरी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एसी डीसी है इसमें, जो सर्किट है इसका काट है, इसका रूट होता है। निकाल भी लेते हैं, देख भी लेते हैं इसके साथ इसका रिमोट ये होता है, और डीसी एसी होता है, और एजीएस कंपनी का ये फैन है, ठीक है। तो ये बैटरी और एसी डीसी वाडा दोनों के यहाँ ये काम करता है, इसके अंदर जो काट होता है। काफ़ी भारी फैन है, और इसके ब्लेड भी अच्छे हैं, अच्छे ये रहे
ये रहे इसके बलेट। चलो इसको निकालते हैं और चेक करते हैं। ये इसका काट है और ये इसका ग्रिप है जो आपको आगे काम आएगी, आपके अंदर यहाँ इसमें लगेगी। इसका भी काफी अच्छा वजन है। ये दो वायर निकले हुए हैं जहाँ 200 वी लिखा हुआ है, तो ये एसी है जहाँ आप एसी तारा लगा सकते हो, और यहाँ ग्रिप है जिसके लिए ये है इस्तेमाल किया है। ये रहा इसका फिटिंग सिस्टम।